फोटो हो गया नालंदा की टीम को जीत कर कोट लेने का फैसला किया है। वही पटना की टीम फर्स्ट रेट डालेगी। सम्मा परवीन पटना टीम की ओर से रेट डालती है और पहले पॉइंट ले जाने में कामयाब रहे। दर्शक इंदु नालंदा टीम की ओर से फर्स्ट रेट डाली और पॉइंट लेने में कामयाब। दो पॉइंट लेकर गई अपने फर्स्ट रेट में। दोनों टीम के रेडर के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी। सम्मा परवीन पटना टीम के कैप्टन हैं। इन्होंने भी फर्स्ट रेट में ही अपना एक पॉइंट निकाला था और यहाँ पर टच का दावा किया। लगातार दो सफल रेड समा प्रवीण के द्वारा स्वागत करते हुए खिलाड़ियों का पांच का यह मुकाबला मुस्कान नालंदा टीम की ओर से। समा प्रवीण पटना टीम की ओर से रेट डालती है। पटना टीम के कैप्टन भी है। शानदार प्रदर्शन रहा इस टूर्नामेंट में दोनों टीम का। बोनस के लिए जरूर अटेम्प्ट लिया है। कौन सी टीम इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जीतती है यह देखना होगा। जोरदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच। जबरदस्त मुकाबला। दोनों टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं हारी है। पटना की टीम बेगूसराय को हराकर फाइनल में पहुंची है। वहीं नालंदा की टीम सीतामढ़ी को हराकर फाइनल में पहुंची है। इन दो लगातार एक डालती हुई नालंदा टीम की ओर से अभी तक प्वाइंट कुछ इस प्रकार है। दो बराबर, दो दो के बराबर। पटना टीम की ओर से जर्सी नंबर दो रेड करती हुई दो दो से बराबर अब तक मैच। सुरुचि लंबे कद के रेडर है। बुआ डाई रेड नालंदा का। मुस्कान रेड करती हुई नालंदा टीम की ओर से। बोनस ऑन है। बुआ डाई रेड नालंदा का। शर्मा परवीन डाइट करने खेल रही है और अच्छा एंकर हॉल्ड लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा एक पॉइंट लेने में कामयाब पटना के खिलाड़ी। पांच बचता हुआ तीन दो दू डाई पटना। जर्सी नंबर वन रेड करती हुई पटना टीम की ओर से दू डाई रेड है। बोनस ऑफ है। पांच का डिफरेंस है तो टच पॉइंट लेना होगा। जर्सी नंबर एक रेड करती हुई हल्की से दिखाई दी है। टच का दावा किया है। पटना टीम के रेडर जर्सी नंबर एक वापस पवेलियन जाते हुए
तीन तीन से बराबर अब तक इस मैच का परिणाम। जर्सी नंबर 8 नालंदा टीम के ऊपर रेड करती हुई। अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रतिभा इनके अंदर। कबड्डी के महादंगल का फाइनल मुकाबला, जो भी टीम आज यहां से जीतेगी वह विनर कहलाएगी। 48वीं बिहार राज्य सीनियर महिला कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। शम्मा परवीन पट्टा टीम के कैप्टन है, रेड कर रहे हैं। शानदार प्रदर्शन अब तक दोनों टीम का इस टूर्नामेंट में रहा है, उसकी जितनी सराहना करें उतनी कम। जबरदस्त प्रदर्शन दोनों टीम के खिलाड़ियों का रहा है। इंदु नालंदा टीम की ओर से रेड करती हुई, अच्छे रेडर हैं, बोनस का जरूर अटेम्प्ट लिया यहां पर। अच्छा रेड लगातार इंदु के द्वारा। दर्शकों से अनुरोध है, तालियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहे। शानदार बोनस कबड्डी के जरूर काम लग रहा है, लेकिन वापस पवेलियन जा रहा होगा जर्सी नंबर 2 को। 5-4 नालंदा 5 पटना 4, 1 पॉइंट की लीड है पटना की, नालंदा की टीम। जर्सी नंबर 4 कबड्डी के इस महादंड का फाइनल मुकाबला। शम्मा परवीन पटना टीम के कैप्टन रेड करती हुई, शानदार प्रदर्शन का इस टूर्नामेंट में पटना का। बोनस के लिए जरूर अटेम्प्ट लिया था और बोनस लेने में कामयाबी शम्मा परवीन। इंदु नालंदा टीम की ओर से रेड करती हुई 11 नंबर जर्सी में। प्रतिभा इनके अंदर, काबिलियत है इनके अंदर, अपनी टीम के लिए अच्छा मेहनत करके आज इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंचे हैं। शानदार मुकाबला नालंदा जिले की सुरपुर की इस पावन धरती पर। तमाम ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है। जर्सी नंबर 5 पटना टीम की ओर से रेड करती है फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। अच्छा रेड अब तक दोनों टीम के रेडर के द्वारा देखने को मिला है। 48वीं राज्य स्तरीय बिहार राज्य सीनियर महिला कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन नालंदा जिले के सुरमपुर की इस पावन धरती पर। फाइनल मुकाबला दो दिवसीय टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पटना और नालंदा के बीच खेला जा रहा है। मुस्कान रेड करती हुई नालंदा टीम की ओर से। बिट्टू अच्छे फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में मुस्कान। शम्मा परवीन पटना टीम के कैप्टन लगातार रेड कर रहे हैं, पहले रेड में पॉइंट अर्जित किया था। जंगल हो अच्छा एंकल होल्ड जर्सी नंबर 8 के द्वारा। लगातार अच्छा प्रदर्शन नालंदा का, 3 का डिफरेंस है तो बोनस ऑफ है। टच पॉइंट लेना होगा, काबिलियत है इंदु के अंदर। जर्सी नंबर 6 पटना टीम की ओर से रेड करते हुए 2 का डिफरेंस, सुपर टेकर और मुस्कान रेड करती हुई नालंदा टीम की ओर से। जबरदस्त फॉर्म में इस टूर्नामेंट में मुस्कान।
दो का डिफरेंस है, वही पटना की टीम अपने खिलाड़ियों को रिवाइवल करवा पाती है या नहीं यह देखना होगा। कबड्डी के इस महादंगल का फाइनल मुकाबला पटना और नालंदा के बीच खेला जा रहा है। जर्सी नंबर 3 पटना टीम की ओर से रेड करती हुई, बोनस रन है लेकिन रिवाइवल की जरूरत है, अपने खिलाड़ियों को रिवाइवल जमा पाते हैं या नहीं पटना के रेडर। इंदु लगातार रेड कर रही है नालंदा टीम की ओर से, जितनी तारीफ करे उतनी काम दर्शक ताली बजाते रहे, शानदार सुपर टैकल था। इस तरह से पॉइंट बढ़ता हुआ पटना 7 नालंदा 8, थर्ड रेड दो अढ़ाई रेड पटना का जर्सी नंबर 1। बोनस ऑन है, जर्सी नंबर 1 के खिलाड़ी 8-8 से बराबर। मैच में खिलाड़ी बचा था पटना का, वहां से रिवाइवल करवाते हुए अपनी टीम को पटना के खिलाड़ी मुस्कान रेड डालती हुई नालंदा टीम की ओर से। 4 का डिफरेंस है, अच्छे फॉर्म में इस टूर्नामेंट में मुस्कान। दोनों टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं आ रही है। शानदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच,
अब तक का मैच का परिणाम कुछ इस प्रकार, पटना 10, नालंदा 9, एक पॉइंट के लीड में पटना की टीम। नमस्कार, जर्सी नंबर 6 में नालंदा टीम की ओर से रेड करती हुई, 5 का डिफेंस बोनस ऑफ काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर पॉइंट लेकर जाने का। कबड्डी के इस महादंगल का फाइनल मुकाबला आज सुरमपुर के इस पावन धरती पर। पटना टीम की ओर से जर्सी नंबर 1 रेड करती हुई, 4 का डिफेंस पटना 10 नालंदा 9, एक पॉइंट की लीड में है पटना की टीम। बोनस ऑफ है, जितनी तारीफ करें उतनी कम, लगातार शानदार प्रदर्शन इस खिलाड़ी का इस टूर्नामेंट में। फर्स्ट हाफ हाफ टाइम तक मैच का परिणाम कुछ इस प्रकार, 11। दर्शकों से अनुरोध है, जोरदार तालियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाए और मैच का आनंद लें, तालियों में कंजूसी ना करें। रेड डालती हुई मुस्कान, 6 का डिफरेंस है, बोनस ऑन है, बोनस का जरूर अटेम्प्ट लिया वहां पर मुस्कान ने। 2 पॉइंट से आगे चल रही है पटना की टीम और बोनस लेने में कामयाब मुस्कान। पॉइंट बढ़ता हुआ, नालंदा का 10, पटना का 11, चम्मा परवीन पटना टीम की ओर से रेड करती हुई, टच का वहां पर दावा किया है। शानदार खेल अब तक देखने को मिला है दोनों टीम के खिलाड़ियों के अंदर। टच पॉइंट वहां पर दावा किए थे पटना टीम के कैप्टन और एक पॉइंट ले जाने में कामयाब। पॉइंट बढ़ता हुआ 12-10, अभी भी 2 पॉइंट से आगे चल रही है पटना की टीम, लेकिन फासला ज्यादा है नहीं। मुस्कान जो कि नालंदा टीम की ओर से लगातार रेड कर रही है और लगातार पटना टीम के कैप्टन के आगे से बोनस लेकर जा रही है। 2 का डिफेंस पटना टीम के कैप्टन शम्मा परवीन खुद रेड में, 2 का डिफेंस, टच का वहां पर दावा किया है और एक पॉइंट ले जाने में कामयाब। तेरह 10, 13 पटना, 10 नालंदा, 3 पॉइंट से आगे चल रही है पटना की टीम। जर्सी नंबर 4 नालंदा टीम के खिलाड़ी देखते हैं कि रिवाइवल दिला पाते हैं या नहीं अपने खिलाड़ी को। अच्छा खेल है, अंतिम खिलाड़ी बचे थे नालंदा टीम की ओर से, लेकिन बोनस के साथ बेटर पॉइंट लेने में कामयाब। जर्सी नंबर 1 रेड करते हुए पटना टीम की ओर से 13-13 से बराबर अब तक। वह इस टीम के इस टूर्नामेंट के नेता बनने से पीछे रह जाएंगी। पटना टीम की ओर से जर्सी नंबर 1 रेड करती है, 3 का डिफरेंस
सुपर टेकर वन अच्छे खिलाड़ी है। तेरह तेरह से बराबर अब तक यह मुकाबला स्वीटी पांच का डिफेंस इन्होंने रिवाइवर करवाया दो खिलाड़ियों का और एक बोनस पॉइंट लेकर गए थे। पांच का डिफेंस डिफेंस है बोनस ऑफ है। और पटना का डू डाई रेड तीन का डिफरेंस है तो बोनस भी ऑफ है। डू डाई रेड है जर्सी नंबर दो रेड करती हुई सुपर टेकर और एक पॉइंट ले जाने में कामयाब पटना टीम के रेडर। नालंदा 2000 रेड नालंदा का भी है बोनस ऑन है सबसे बड़ी बात है इनके लिए बोनस ऑन है। बूट आई रेड है बूट आई रेड है खेल को पलट दिया था और वहीं से नालंदा की टीम उस टूर्नामेंट को जीत गई थी। सब्सक्राइब कर लो देखो वही चैनल है 15-18 गलत का वीडियो आ गया 15-18 कल भी रेड करते हुए कल मैं डाल दूंगा एक बार ले जाने में कामयाब। मुस्कान एक शानदार रेड की जरूरत बोनस ऑन है जर्सी नंबर 6 पटना टीम की ओर से रेड करती हुई उन्नीस 15 चार पॉइंट से आगे अभी भी चल रही है पटना की टीम मात्र 4 पॉइंट से आगे चल रही है। इंदू इनके अंदर काबिलियत है और लगातार पॉइंट लेकर जाते हैं इसे पिछले रेड में भी 2 पॉइंट लेने में कामयाब रहे थे और बोनस लेने में भी इस तरह से पटना की टीम के कैप्टन रेड डालती हुई 5 का डिफेंस बोनस ऑफ में कामयाब वहां पर इस तरह से पॉइंट में इजाफा 21-16 रोमांचक मुकाबला 5 पॉइंट से आगे चल रही है पटना की टीम 16 नालंदा 21 पटना बोनस लेने में कामयाब मुस्कान पॉइंट बढ़ता हुआ 17 पटना टीम के कैप्टन रेड करते हैं 3 का डिफरेंस और एक पॉइंट लेने में कामयाब रिवाइवल करवा पाते हैं या नहीं इंदू यह देखना होगा। काबिलियत है इनके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है
रिवाइवल चाहिए तो टच पॉइंट की आवश्यकता, लेकिन बोनस से संतुष्ट। बाईस 18 अभी भी 4 पॉइंट से आगे चल रही है पटना की टीम। दो का डिफेंस, और एक और पॉइंट लेने में कामयाब पटना के रेडर। अगर ऑल आउट से बचना है तो अच्छा रेड करना होगा हिंदू को। दर्शक एक बार जोरदार तालियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं। हिंदू लगातार रेड करती ही और यहाँ पर ऑल आउट होती हुई नालंदा की टीम। पॉइंट में लगातार 26-18 घटना की टीम 19-26। मुस्कान एक अच्छे रेड की जरूरत। मुस्कान जो टीम के अंदर कार्य आखिरी के 5 मिनट का खेल बचा है। पटना टीम की ओर से जर्सी नंबर 2 रेड करती हुई और एक पॉइंट लेने में कामयाब। लगातार अच्छा खेल नालंदा के द्वारा 21-26 इंदो 4 का डिफेंस बोनस ऑफ है इस खिलाड़ी के अंदर। हालांकि बोनस ऑफ है सर, जितने 40 करे जैसे नंबर 4 का उतना कम 27-21 6 का डिफेंस 27-21 रेड करती है पटना टीम की ओर से। टच का वहां पर दावा किया है और एक पॉइंट ले जाने में कामयाब। लगातार पॉइंट में इजाफा होता हुआ 28-21 एक पॉइंट देने में कामयाब नालंदा के रेडर। 22-28 6 पॉइंट से आगे अभी भी चल रही है पटना की टीम। 22-28 पटना 22 नालंदा 6 पॉइंट से आगे चल रही है पटना की टीम। आखिरी 3 मिनट मुस्कान रेड डालती है। आखिरी 3 मिनट का खेल बचा है। इंदु रेड करती है नालंदा टीम की ओर से 4 का डिफेंस 28-23 नालंदा 28 छक्का। और
कामयाब। दुआ डाई रेट, दू डाई रेट है पटना का, दुआ डाई रेट है पटना का, दुआ डाई रेट है पटना का, बोनस ऑन है। सचिन का मैच चलता है, यकीन नहीं आता। और इस तरह से दो पॉइंट से आगे एक अच्छी रेट की जरूरत है, पटना इस मुकाबले को जीत सकती है। और जबरदस्त जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अट्ठाईस इक्कीस, इक्कीस नालंदा, 28 पटना।